एम्प्रेस योगी दीपक सोनी के साथ। जैसे कि लॉकडाउन के चलते आज जो 40वां दिन था और जो आज सिरसा उपायुक्त ने, जबकि जहां ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन सिटी है वहां पर ऑरेंज जोन के अंदर कुछ दुकानें खोलने के आदेश दिए गए थे, जबकि कुछ दुकानें आज खुली थी। हमने आपको सुबह सिरसा के मार्केट के हालात दिखाई थी, वही अब मैं आपको शाम के हालात दिखा देती हूँ कि जो दुकानों का समय था 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का था और 9 बजे से लेकर 6 बजे तक दुकानें खुली थी। लेकिन अब मैं आपको हालात दिखाती हूँ, जबकि ये मार्केट सुबह 9 बजे खुलती थी और रात को 9 बजे तक खुली रहती थी, बंद होती थी, वहीं अब जो लॉकडाउन के चलते हैं मार्केट के हालात दिखा देती हूँ, जहाँ पूरी तरह से सुबह जमावड़ा लगा हुआ था, लोगों की भारी मात्रा में मार्केट के अंदर भीड़ थी। इतने दिनों के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद आज सिरसा के लोगों ने, सिरसा के बाजारों के लोगों ने किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया, और आप इस पीछे देख सकते हैं कि जो निर्धारित समय 6 बजे का था, 6 बजे के समय के बाद भी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। पूरी तरह से सिरसा के लोगों ने इस लॉकडाउन का पालन किया है, कोई मार्केट खुली नहीं है, अभी पूरी तरह से दुकानें बंद है। और मैं आपको चौक चौराहे पर भी लेकर चलूँगी और वहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊँगी। भगत सिंह चौक के हालात दिखाती हूँ, जो मार्केट है पूरी तरह से सुनसान है, जबकि जो ऑरेंज जोन में कुछ दुकानें खोलने के आदेश आए थे, जो उनका समय था 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का, अभी आप टाइम देख सकते हैं 6:19 हो चुके हैं और जो दुकानें हैं पूरी तरह से बंद है। सभी दुकानदारों ने इस लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, दुकानें निर्धारित 6 बजे बंद कर दी गई थी। तो वहीं आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, हर पल पल की आपको खबर देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।